गुरुवार की सुबह मुर्शिदाबाद जिले के नौदा थाने अंतर्गत डूबतला इलाके में सामूहिक पिटाई से 22 वर्षीय राइफल मंडल की मौत के प्रतिवाद पर रास्तों पर स्थानीयों ने सड़क जाम कर प्रतिवाद दिखाते हुए पुलिस की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ किया। राइफल मंडल के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद से नवोदा थाने की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन घटना के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकामयाब रही है। गुरुवार की सुबह से ही राइफल मंडल के परिजनों ने करीब 4 घंटे तक नवोदा थाने अंतर्गत डूबतला इलाके में आमतला बेलडांगा राज्य के सड़क जाम कर प्रतिवाद दिखाया। सड़क जाम करने की सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल पर आकर आंदोलनकारियों को हटाने की प्रयास करते समय आंदोलनकारियों के साथ पुलिस की झड़प हो गई और जिसमें पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी, जिसमें गुस्सैल जनता ने पुलिस की गाड़ी पर अपना गुस्सा दिखाते हुए गाड़ियों पर तोड़फोड़ मचा दी। इस घटना में जहां 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, वहीं काफी सारे आंदोलनकारी भी पुलिस के लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं, जिसमें 9वीं कक्षा की एक छात्र भी शामिल है। घायल छात्र और पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से भी पुलिस बल घटनास्थल पर आकर हालात पर काबू पाने का प्रयास कर रही है।